चाहूंगी। अव्वल तो बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए तारिक साहब क्योंकि आज ही खबर मिली है कि कुछ लोग आपको मारने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे, और सिर्फ इसलिए, महज इसलिए कर चुके थे क्योंकि आप इस्लाम में वो जो रूढ़ीवादी सोच है उसे लेकर हमेशा आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन मुबारक कि वो आदमी पकड़ा गया। अब शुरुआत में इस टॉपिक से करती हूँ सर, वाकई क्या आप जरूरत नहीं आन पड़ी है कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और उस प्रॉब्लम का नाम वहाबिज्म है। देखिए, हमें सच बोलने की आदत अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब तक ये हुआ है कि जो जब फोन होता है तो कुछ बात कहते हैं, बंद कम या मस्जिदों में या महफिलों में कुछ और बात कहते हैं। सर एक सेकंड, मैं रोक रही हूँ तारिक फतेह साहब, क्योंकि क्योंकि आप बड़ी दूर से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ तारिक साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। डॉक्टर रिजवान अहमद, क्योंकि आप भी अक्सर इसी तरीके की बातचीत आगे रखते हैं, इसीलिए मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है और सऊदी अरब की कोई बदमाशी, कोई साजिश तो यहाँ पर नहीं लग रही है कि ऑल ऑफ अ सडन उनको रियलाइज़ होता है कि साहब हम जो सबसे ज़्यादा पकड़ बनाए हुए थे, बेड़ियों में रखे हुए थे इस्लाम के जानकारों को, इस्लाम को फॉलो करने वालों को, अब उनको थोड़ी छूट दे देनी चाहिए। जी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, चलिए पर हज को तो चली है। देखिए, बहुत शॉर्ट में बता दूं, डेढ़ मिनट का मेरे पास टाइम है, कि हर किताब में, जो भी आसमानी किताब है, मैं मानता हूं वो एक ही जगह से उतारी गई है। सच्चाई एक है, ट्रुथ एक है, ताकत एक है। हर आसमानी किताब में दो हिस्से होते हैं रूबिका, एक हिस्सा होता है टेम्परेरी हिस्सा और पेरिशेबल हिस्सा। ये हिस्सा एक वक्त के लिए और एक हालात के लिए लिखा जाता है। उसी किताब में एक हिस्सा होता है जो आखिरत तक चलता है, वो परमानेंट हिस्सा होता है। ये हर किताब में है, हर आसमानी किताब में है। मैं वेदास को भी आसमानी किताब मानता हूँ, गॉस्पेल को भी आसमानी मानता हूँ, कुरान को भी आसमानी मानता हूँ, और इनके पीछे जो ताकत है वो एक ही है। अब ये कौम को तय करना होता है रूबिका, कि उस किताब में कौन से ऐसे हिस्से हैं जो उस वक्त के लिए नाजिल हुए थे, उस हालात के लिए नाजिल हुए थे, और उनको पीछे छोड़ दिया जाए, और कौन से उसमें ऐसे हिस्से हैं जिनको आखिरत तक साथ लेके चला जाए। ना हदीस में बदलाव की ज़रूरत है, ना सुन्ना में बदलाव की ज़रूरत है, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बदलाव की ज़रूरत मुसलमान के दिमाग में है। वो बीमार है, वो ये सोचता है कि पूरी दुनिया में एक दिन अल्लाहु अकबर होगा, और उसी के लिए वो लड़ता रहता है। जिस दिन हमारे दिमाग में बदलाव आ जाएगा ना, मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जाना चाहती हूँ। अतीकुर रहमान साहब, तारिक फतेह साहब ने जो बात की और जो 20 सेकंड हम सुन पाए कि बंद कमरों में, तो हम इस पर वाकई टेंशन में आते हैं, चिंता करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। लेकिन कर तो इस्लाम ही के नाम पर रहे हैं, अब हमें आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। कोई और धर्म का आदमी ISIS से क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है, क्यों आकर्षित नहीं होता है, क्यों उनके पास नहीं जाता है, क्यों इस्लाम के ही लोग उनके पास जाते हैं? कुछ तो ऐसा लूप होल है जिसे हमें पकड़ना होगा, और वो तभी पकड़ेंगे जब मानेंगे कि हाँ साहब सच है। जी जी रूबिका जी, देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप धर्म को आतंकवाद से जोड़ते हैं, वहाँ पर से दूसरी तरफ से आपकी आवाज़ आती है कि भाई ये जो धार्मिक ये मामला है इसको ख़त्म किया जाए, और यहीं पर मामला उलझ जाता है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो आतंकवाद को ख़त्म करने का है, और आतंकवाद ख़त्म करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ उन ताकतों की तरफ ध्यान ले जाना चाहिए जो आतंकवाद को पैदा करते हैं, जिनकी कोख में आतंकवाद पलता है। और वो पूरी दुनिया जानती है रूबिका जी कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसके पास जो हथियार हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या रशियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बनाई हुई होती हैं। अब जो हथियार सप्लाई किया जाता है
वो इतने बड़े मुल्क जो कि खुद रोता है आतंकवाद को लेके, वही कर रहा है। तो इससे ये बात खुली तौर पे साबित हो जाती है, आतंकवाद को पैदा करने वाला दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अगर हम अमेरिका के ऊपर ये शिकंजा कसते हैं तो आधा आतंकवाद वहीं पर हम ढेर कर देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप बात करते हो धार्मिक किताबों को बदलने की, तो क्या अगर कुरान और हदीस को बदलने की बात है तो दूसरी तरफ से ये आवाज़ नहीं सुनाई देगी कि आप भगवत गीता को भी ख़त्म करो, आप उसमें भी बदलाव लाओ, यहीं पर मामले को हम हिंदू और मुस्लिम में तब्दील कर लेंगे, जिसकी वजह से आज तक के हम। आतिकुर रहमान साहब एक सेकंड, मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं। इस्लाम को बदलाव की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम के कुछ अंगों को बदलाव की ज़रूरत है। जी न्यूज़ बहुत क्लियर है जब ये डिस्कस कर रहा है, हम इसकी गंभीरता और इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए डू नॉट पुट वर्ड्स इन आवर माउथ। ए दूसरा, ये आपको वेपन्स और हथियार तो नज़र आते हैं, ऐसी क्या बात है कि आतिकुर रहमान वो वेपन नहीं लेता है? ऐसी क्या बात है कि रूबिका लियाकत वो ट्रक चलाकर लोगों में नहीं घुसती है? ब्रेन गेम है ना सर, दिमागी खेल है ना, वो दिमागी खेल पर आप कैसे चोट करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। राकेश सिन्हा साहब, सवाल सीधा देखिए कहां पर आ गया है कि आप एक धर्म की जब बात करते हैं तो दूसरे धर्म की भी तो बात आ जाएगी ना, फिर हो गई लड़ाई खत्म। मेरा सवाल यही है और मैं बहुत सोच समझ के राकेश सिन्हा साहब ये सवाल कर रही हूं, ऐसा क्यों है कि कोई मुसलमान ही आईएसआईएस से अट्रैक्ट होता है, किसी और धर्म का नहीं, क्या वजह है? देखिए देखिए, एक बुनियादी बात यह है कि सभी धर्मों में सुधार आंदोलन की गुंजाइश है, लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, इस्लाम के कुछ आयतें और उसके धार्मिक ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका एक तो उदार इंटरप्रिटेशन है, दूसरी तरफ से उसी की व्याख्या ऐसी होती है जो आतंकवाद पैदा करता है। ये तो इस्लाम के ऊपर, कोई इस्लाम को ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, इस्लाम में बुनियादी सुधार हो, यह काम जो आज सऊदी अरबिया कर रहा है यह वास्तव में भारत में देवबंद और बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट्स को करना चाहिए था। देवबंद बना ही इसीलिए था, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय उलेमा और भारतीय देवबंद और बरेलवी स्कूल के लोग आतंकवाद के अप्रत्यक्ष रूप से पैरोकार हो गए, इस रूप में कि जहां भी फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट होता है वो हिंदुओं से तुलना कर देते हैं। आतिकुर रहमान को यह समझ में नहीं आता कि हाथ और हथियार में कितना अंतर है। आतिकुर रहमान साहब, आपके दुकान से कोई चीज़ खरीद कर मैं किसी को गोली मार दूँ तो आपके दुकान की गलती होगी, आपने बेचा इसकी एक इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन मेरा मस्तिष्क, मेरा हाथ क्या काम कर रहा है मैं जिम्मेदार हूं, मैं प्रेरणा किससे ले रहा हूं मैं जिम्मेदार हूं। इसलिए कोई आप इसको इस्लाम और हिंदू के बीच में बाइनरी मत क्रिएट कीजिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में बाइनरी मत क्रिएट कीजिए। इस्लाम में जहां महिलाओं का सुधार का प्रश्न होता है, जहां फंडामेंटलिज्म से दूर होने की बात होती है, तो देखिए टर्की में फंडामेंटलिज्म से दूर हुआ, आज वहां भी रेडिकलाइजेशन का सवाल है, इंडोनेशिया में रेडिकलाइजेशन का सवाल है, इसका स्रोत क्या है? इस स्रोत को बदलने की बात की जा रही है जिसको मैं सुधार के रूप में देखता हूं, बदलाव मतलब सुधार। अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आप अपने दरवाजे पर उसका दस्तक दे रहे हैं। सर आपका टाइम अप हो गया है, मैं अब तारिक फतेह हमारे साथ जुड़ गए हैं। फतेह साहब आपकी बात रह गई थी, ये जो आपने प्रोफेसर सिन्हा सारी बातें कह रहे थे उसको सुना होगा, लेकिन उसमें फिर कट्टरपंथ जो है वो हर धर्म का आके खड़ा हो जाता है, और भारत पे आपने देखा होगा गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडई हुई है, इसको देखिए आतंकवाद से आप कतई नहीं जोड़ सकते हैं सर, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये आतंकवादी बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ने की तैयारी में आ गए हैं। देखिए जो मैंने बात कही थी कि बंद कमरों में और हमें झूठ बोलने की जो आदत है, ये अतीक साहब ने सबके सामने कर दी। न्यूयॉर्क में हमला गाड़ी में बैठ के हुआ और वो कह रहे हैं अमरीका हथियार देता, ये जो 9/11 का अटैक हुआ था ये कोई हथियार अमरीका ने बेचे थे? ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर जेनोसाइड हो रहा है कि हजारों आदमी मर गए, वो क्या अमरीका असलाह दे रहा है? आप पाकिस्तान के ऊपर जो असलाह है वो तो अब रूस से और चीन से आ रहा है। अब ये आप देखिए पूरी डिस्कशन मोड़ के उन्होंने इस्लाम से हटा के ये ऐसा, अब तो ऐसा लगता है कि मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि अमेरिका और हिंदुस्तान को गाली दी जाए और इसराइल को भी, इन तीन मुल्कों को गाली दें तो तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे, वरना आपको कहेंगे आप काफिर हो गए हैं, आप पे सजाए मौत लगनी चाहिए। अरे क्यों नहीं कहते कि जिहाद का कंसेप्ट आउटडेटेड है? जिहाद नेशन स्टेट की मौजूदगी में जो सब सिग्नेटरीज हैं यूएन जनरल असेंबली के कन्वेंशन के, ह्यूमन राइट्स के,
उनकी मौजूदगी में शरिया और जिहाद और ये तमाम फलसफा जो दियोबंद में पढ़ाया जाता था और जिसकी वजह से तालिबान बने, ये ख़त्म होने चाहिए, इनका रोल नहीं है। अब हर आदमी लिटरेट है, कुरान पढ़ सकता है, मौलवियों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी जान छोड़ दीजिए प्लीज़। तबाह कर दिया दुनिया में, हर जगह मुसलमान बदनाम हो गया। मौलवी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, देखिए लेकिन 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 इसीलिए सर हिंदुस्तान में आप देखिए कोई भी मसला होता है, एक मुसलमान फौरन मौलवी के पास जाता है उस पूरे के पूरे मसले के इंटरप्रिटेशन को कुरान या हदीस या शरिया से जोड़कर। मौलाना रिश्दी साहब, आतंकवाद से इस्लाम को इसलिए अलग करना आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप देखिए एक आम आदमी जब ये 8 लोगों को मार के ट्रक चला के अल्लाह हू अकबर कहता है तो ये नहीं कहेंगे कि वो हिंदू था, ये नहीं कहेंगे कि वो ज्यूस था, ये नहीं कहेंगे कि वो सिख था, साहब वो मुसलमान था। और ये मुसलमान आईएसआईएस से क्यों जुड़ा, क्या ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी खोट है? रूबिका जी देखिए, मैं इस बात को इसलिए क्लियर करना चाहता हूं कि आप बार बार इस्लाम को आतंकवाद का नाम लेकर पुकार रही हैं। इस्लाम में आतंकवाद न था, न है, न रहेगा। इस्लाम ने हमेशा आतंकवाद को कंडम किया है। यही आईएसआईएस जिसका आप नाम ले रहे हैं बार बार, दारुलूम देवबंद ने, जमीयत उलमाए हिंद ने, इमाम एसोसिएशन ने और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं तमाम के तमाम ने कंडम किया। ये इलियाट शमून इसका नाम है, यहूदी एजेंट है, इसराइल से सारा इसको पैसा और हथियार मिल रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तो है इस्लाम, एक है मुसलमान। जब आप मुसलमान को इस्लाम से जोड़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं खराबी पैदा होगी, क्योंकि इस्लाम अलग चीज़ है, मुसलमान का जो अमल आज के टाइम में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, चाहे वो शराब पीने को लेकर हो, चाहे जिना करने को लेकर हो, चाहे चोरी करने को लेकर हो या किसी को मारने को लेकर हो। तो हम इस्लाम को मुसलमान के अमल से नहीं जोड़ सकते। बुरा आदमी हर धर्म में हो सकता है, हर मजहब में हो सकता है, हर जाति में हो सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अमेरिका जो तमाम दुनिया का आका बैठा हुआ है उसने इस्लाम के साथ एक ऐसा लेबल चिपका दिया कि इस्लाम आतंकवादी सोच रखता है। यही हर आदमी, राकेश सिन्हा जैसा आदमी और तारिक फतेह जैसा आदमी उसी बात को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि इन लोगों को यह पता नहीं है कि धर्म कोई भी हो वो आतंकवाद नहीं सिखाता। धर्म तो अमन और इंसानियत की बात करता है। मैं बार बार सोच समझ के सर ये सवाल मैं बार बार पूछ रही थी और यही किया आपने। आप उस जड़ को पहचानना ही नहीं चाहते हैं। अरे अल्लाह हू अकबर कौन कहेगा, ये कौन सा सेक्ट है जो टेररिज्म फैला रहा है इस्लाम के नाम पर, उसको क्यों नहीं मान रहे हैं आप? क्या ये बात सच नहीं है कि हाँ ठीक है मान लिया कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, हर मुसलमान वहाबी नहीं होता है, लेकिन 99% ऑफ आतंकवादीज आर वहाबी, क्या ये शाश्वत सत्य नहीं है? डॉक्टर पात्रा नहीं, रिश्दी साहब मैं आपकी आवाज़ नहीं अप कर सकती हूँ क्योंकि ये बजर राउंड है। एक सेकंड मैं सबके पास आऊंगी। अतीकुर रहमान साहब बहुत ओपनली आज डिस्कस करेंगे और हिम्मत दिखा के डिस्कस कीजिएगा इस मसले पर आप। सैयद असीम वकार साहब, डॉक्टर पात्रा आखिर में आपके पास आऊंगी। असीम वकार साहब बताइए, सच में आपको नहीं लगता है कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है? नहीं देखिए, मैंने तो कभी भी समर्थन किया ही नहीं। मैं तो, आप आईएसआईएस की बात करती हैं, मैं तो उसामा बिन लादेन और ये लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और ये जितने हैं मैं इन सबको कई बार कंडम कर चुका हूँ, इनकी मुर्दाबाद कह चुका हूँ। जिस तरह का ये कंडम कर दूँ, इस्लाम में मुसलमान के लिए हुक्म है कि आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल ना हो, उसकी मानसिकता का इस्तेमाल ना हो। अभी आपने एक बहुत अच्छा पहलू उठाया कि क्या कोई दूसरा आदमी मुसलमान के अलावा अल्लाह अकबर कह सकता है। हिंदुस्तान में कर्नाटक में एक आदमी है, वो चलाता है श्रीराम सेना। तो 2014 में कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर हरा झंडा लेकर और अल्लाह अकबर नारे, तदबीर के नारे लगाते हुए जा रहे थे और लोगों पे हल्की छींटाकशी कर रहे थे और मारपीट की नौबत थे। पब्लिक ने दौड़ा के पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब उनको मारा पीटा गया और पुलिस के हवाले किया गया तो मालूम यह पड़ा कि उनमें से एक भी आदमी मुसलमान नहीं है, वो सब के सब हिंदू थे। और जो उनका लीडर था वो श्रीराम सेना का ज़िला का प्रेसिडेंट था कर्नाटक में किसी शहर का। तो कौन क्या कर सकता है ये तो आप सब जानते हैं। इस्लाम में किसी तरह से कोई भी
ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात है, आतंकवाद करने की बात है। अभी एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, फिदल कास्त्रो ने 2 सितंबर सन 2014 को क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि आईएस मतलब अमेरिका और इसराइल की बी टीम, ये यहूदी और अमेरिका की मिली भगत है जो इन्होंने आईएस पैदा किया। अरे सर एक सेकंड, हाँ तो सुनिए सर, मुसलमान इतना कमजोर है कि अमेरिका जो इशारा करेगा वो कठपुतलियों की तरह नाचने लग जाएगा। आपको वो लोग तो नजर आ रहे हैं जो नकली अल्लाह हू अकबर और नकली नारे लगाते हैं, लेकिन आपको जाकिर मूसा नजर नहीं आ रहा, आपको बगदादी नजर नहीं आ रहा, आपको आईएसआईएस के वो तमाम लोग नजर नहीं आ रहे। वो है तो मुसलमान ना, आप कह दीजिए नहीं है मुसलमान, लेकिन वो है तो मुसलमान। डॉक्टर पात्रा आखिरी 1.5 मिनट आपके, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगी। देखिए रूबिका जी, मैं सर्जन हूं, अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो, बजर राउंड है डॉक्टर पात्रा, सुन ली रूबिका जी, मैं सर्जन हूं, अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है और उसका कैंसर पेट में है और हम लोग तैयार ही नहीं हो ये कहने के लिए कि उसको कैंसर हुआ है, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो वो पेशेंट का मरना तय है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ इसी प्रकार से अमेरिका जिम्मेदार है, इजराइल जिम्मेदार है, रसिया जिम्मेदार है, फिडेल कैस्ट्रो जिम्मेदार है, मगर असली जो जिम्मेदार है उसके विषय में चर्चा हो ही नहीं रही है। वो हिंदू भी जाके अल्लाह अकबर कह दे रहे हैं और क्रिश्चियन भी जाके अल्लाह अकबर कह रहे हैं, मगर ये बाकी सब जो बैठे हैं वे ये सब एकदम दूध के धुले हुए हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको कहूँ, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सेकुलरिज्म शब्द, उसका जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया, उसका नाम अगर मोहम्मद कासिम है, तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि मोहम्मद कासिम को हम मोहम्मद कासिम ना बोले, हम उसको श्याम शरण अग्रवाल बोले, ताकि ये सेकुलरिज्म मेंटेन हो सके। आप बताइए ऐसे हम आतंकवाद से लड़ेंगे? मोहम्मद कासिम को श्याम शरण अग्रवाल बना के आतंकवाद से लड़ने चले हैं हम? अरे आईएसआईएस आके अब हमारे देश के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, अब भी हम इस कैंसर को पहचानना नहीं चाहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, तारिक फतेह बिल्कुल सही कहते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ लड़ाई नहीं है, अल्लाह का इस्लाम वर्सेस मुल्ला का इस्लाम। अरे अल्लाह का इस्लाम को तो हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, मगर जो मुल्ला का इस्लाम है, अर्थात जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ इस्लाम को मुल्लाओं ने बनाया है, उस पर चिंतन होना चाहिए। ठीक है सर, अब ये डिबेट में ओपन कर रही हूं और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करती हूँ, सर झुकाकर विनती करती हूँ, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, एक दूसरे के ऊपर ना चीखें। अगर आपको किसी की बात ना पसंद आ रही है तो मैं आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन अपनी बात को क्लियरली रखिए। रूबिका जी मैं आना चाहूंगा। मजाक नहीं है, सच में पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर जो आतंक फैला रहे हैं उनका पर्दाफाश करना जरूरी है। अतीकुर रहमान साहब, यू टेल मी, वाजिबुल कत्ल क्या होता है? क्या होता है वाजिबुल कत्ल? श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था अधर्मी है मार दो, लेकिन उसमें तो आतंकवादी पैदा नहीं हो रहे हैं, यहां पर वाजिबुल कत्ल के नाम पर आतंकी कैसे पैदा हो जाते हैं? हाउ कम? क्या बात करी है आपने? जी मैं बता रहा हूं, आपके पास जानकारी नहीं है जी। तारिक फतेह साहब ने बहुत अच्छी बात कही है रूबिका जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आज की दुनिया में, वकार साहब एक सेकेंड, वकार साहब आज की दुनिया में, ये डेमोक्रेसी की दुनिया में, नेशन स्टेट की दुनिया में, अगर ये चीज वाजे हो जाए, अगर ये चीज वाजे हो जाए कि जिहाद वॉर सिर्फ और सिर्फ एक नेशन दूसरे नेशन पे डिक्लेयर कर सकता है, तो आतंकवाद का आप खात्मा हो जाएगा। तारिक फतेह साहब आपने सही कहा बिल्कुल। रूबिका जी आपकी बात पे मैं आना चाहूंगा, आपने पूछा कि वाजिबुल कत्ल आज की दुनिया में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ओपन चैलेंज वॉर ग्राउंड के ऊपर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जिहाद जब कहलाया जाता है जब एक नेशन स्टेट दूसरे नेशन स्टेट के ऊपर वॉर डिक्लेयर करे, और उस वॉर क्या होता पूरे है के पूरे प्रिंसिपल सामने रखे सेना जाए। खड़ी कर रहा है आज वो की यही कहकर सेना खड़ी कर रहा है, जिहाद का कोई मतलब यही नहीं है, सेना खड़ी कर रहा है वो इन सारे आतंकवादियों को मुजाहिदीन कह रहा है। अरे नहीं है मतलब, लेकिन ये लोग कर तो रहे हैं ना, मैं जड़ में जाने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर रिजवान,
क्या ये बात सच नहीं है? करने वाला कौन है रूबिका जी? क्या वो ऐसा सेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है? सलाफी, वहाबिज्म, रहमान साहब, इनको हथियार क्यों नहीं मान रहे? रहमान साहब, रहमान साहब, रहमान साहब, कौन कर रहा है ये? रहमान साहब, लिसन टू मी, रहमान साहब, रहमान साहब, रहमान साहब, जी जी, अमेरिका की, अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज 1492 में हुई थी, 1492 में, और मुसलमान मजहब के और कौम के नाम पर 632 से एक दूसरे को मार रहा है। जब करबला में हजूर के नाती का गला काटा गया था तो अमेरिका की खोज तक नहीं हुई थी। कौम की गलत तारीख आने वाली पीढ़ियों को ना बताइए। आप लोग कौम की गलत तारीख, गलत हिस्ट्री आने वाली कौम को बताते हैं, इसीलिए कौम बर्बाद हो रही है। अरे जनाब, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और मुझे आप बता रहे हैं, आप मामले को उलझा रहे हैं। आप करबला में और यूएस के इनॉग्रेशन पे कहां जा रहे हैं? मजहब के नाम पर आतंकवाद की बात हो रही है। मजहब के नाम पर हमेशा दूसरों को मारा है। आप जैसे लोग मामले को उलझा के, खुद हो आप जैसे लोगों की वजह से आतंकवाद बनता है, चाहे एक बड़ी खबर आ गई दर्शकों को, मैं बता दूं, रायबरेली के ऊंचा हार से बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है। रुक जाइए सर, मेरे लिए इस वक्त ये बड़ी खबर है, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। एनटीपीसी प्लांट में एक बॉयलर जो है वो फट गया है, हमें यह खबर मिल रही है। हादसे के बाद एनटीपीसी प्लांट में कई मजदूर मौजूद थे और एनटीपीसी हॉस्पिटल में अभी उनको भर्ती करवाया गया है। 3 लोगों की इस मसले में अभी खबर ये मिल रही है कि मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन अभी कमिंग बैक टू द डिबेट, अतीकुर रहमान साहब, आपने जो बात कही है, आप कह रहे गड़े मुर्दे जो है वो मत उखाड़िए। मौलाना रिश्दी साहब, मुझे ये बताइए कि अरे आज तो हिम्मत दिखा दीजिए, आज की तारीख में भी यही हो रहा है, आज की तारीख में भी यही हो रहा है सर। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ हाँ इस्लाम का एक ऐसा सेक्ट है जिसकी वजह से पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा है, वो काटना ही पड़ेगा, तभी आतंकवाद खत्म होगा। मानिए ना सर, मौलाना साहब मानिए इस बात को। नहीं रूबिका, नहीं, गलत, बिल्कुल नहीं रूबिका। 1000 मौलानाओं ने डिक्लेयर किया है, अभी 2 महीने नहीं गुजरे हैं रूबिका जी, बिल्कुल गलत कह रही हो। 1000 मौलानाओं का प्लेटफॉर्म ने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान क्या आतंकवादी, बिल्कुल भी वहाबिज्म क्या है, मुझे समझाइए, व्हाट इज वहाबिज्म, वहाबिज्म क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। अतीकुर रहमान साहब रुक जाइए, मौलाना रिश्दी मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए मौलाना साहब, वहाबिज्म क्या है, क्या है वहाबिज्म? रूबिका मुझे एक चीज बताइए आप, जब हम बगदादी को बार बार कंडम कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान नहीं है, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको इस्लाम के साथ क्यों जोड़ रही हैं? बार बार क्यों जोड़ रही है बगदादी को इस्लाम के साथ में? बगदादी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम इसको कैसे ना जोड़े सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे कैसे ना माने सर, आप आंखें बंद कर देंगे, आप कबूतर की तरह बिहेव कर देंगे कि सामने से बिल्ली आ रही है, मैं आंख बंद कर दूं, ऐसे नहीं चलेगा। आंखें खोलिए, उस बिल्ली पर अटैक करना जरूरी है। वो बिल्ली जिसका नाम बगदादी है, वो इस्लाम के ही कोटेशन आगे रखता है, वो कोट्स आगे रखता है। तारिक फतेह साहब, कैसे कर लेता है वो? मैं आपको बैकग्राउंड जरा बताऊं कि इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी इतनी घुसी भी है कि मौलाना साहब सुनिए, तारिक फतेह बताएंगे। हाँ तारिक फतेह, हमारे बहुत बड़े हीरो जो हैं दुनिया भर के मुसलमानों के, हम जिसको सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं, कर्दिश जनरल थे जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को आजाद किया, उसी सलाउद्दीन अयूबी ने मिस्र में जाके तमाम 100% वहां के शियों को कत्लेआम किया, निकाला, पहले यमन भेजा और उसके बाद हिंदुस्तान में पनाह मिली उनको। ये मैं 9th century की बात कर रहा हूं। आप 1800 में जहां अमेरिका बना भी नहीं था, इसराइल का एग्जिस्टेंस नहीं था, ये वहां भी गए करबला और वहां 18,000 ऊंटों पे लूट के
का शहर खाली किया और बर्बादी कर दी। वो सारे पहले वहाबी थे जिनका असर हिंदुस्तान में आया बार बार। मैं आपसे और डॉक्टर रिजवान से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप तो इस्लाम को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, और मुझे यकीन है अतीकुर रहमान साहब भी ये बात जानते हैं, मौलाना रशीदी भी ये बात जानते हैं, वकार साहब आप भी ये बात जानते हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि इस्लाम को इससे खतरा आ जाएगा। आपको ये बात लगने लगेगी कि इस्लाम पर अटैक हो रहा है, इस्लाम कोई छोटी चीज है कि अटैक हो जाएगा, लेकिन अगर उसका बहुत खराब है, बहुत 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 खराब है, तो उसको हटाने में दिक्कत क्या होनी चाहिए? वकार साहब मैं आऊँ आपके पास उससे पहले, फतेह साहब, रिजवान साहब, प्लीज बी रेडी। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल ये बगदादी और उसकी सेना करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं? टू द पॉइंट बताइएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ, मुझे जवाब देने का मौका तो दे दीजिए मोहतरमा, मुझे जवाब देने का मौका तो दे दीजिए मौलाना साहब। देखिए मुझे जवाब देने का मौका, हाँ वकार साहब मुझे जवाब देने का मौका दे दीजिए। साजिद रशीदी साहब को थोड़ा शांत कराइए। देखिए ऐसे नहीं बोलूंगा, आवाज जाएगी नहीं, लोग समझ नहीं पाएंगे, अच्छी बात नहीं है, बहुत बहुत सेंसिटिव डिबेट है ये, तो मैं समझता हूँ एक एक करके सब बोल ले। मौलाना रशीदी जी बिल्कुल बिल्कुल तरीके से हम ये बिल्कुल आपने भी एक बहुत अच्छा सवाल उठाया रूबिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया अभी कि कृष्ण ने भी ये बात अर्जुन से कही थी कि अधर्मी है कत्ल कर दो, लेकिन इनके धर्म में तो आतंकवादी पैदा नहीं होते, तो व्हाट इज बाबू बजरंगी एंड दारा सिंह एंड व्हाट विल यू से अबाउट नक्सलाइट, उल्फा के बारे में क्या कहेंगी आप, निट्टे के बारे में क्या कहेंगी? छोटा सा नागालैंड है 15-15 आतंकवादी संगठन चल रहे, हंसिए नहीं, सुन लीजिए आप, मुझे मौका दिया, सुन लीजिए इस्लाम कहीं से आतंकवाद की बात नहीं करता है, इस्लाम आतंकवाद की मजम्मत करता है, इस्लाम आतंकवाद की खिलाफत करता है, मुखालफत करता है, और जो लोग आतंकवाद की तरफ जाते हैं वो इस्लाम से अलग हटकर अपना मजहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम में कहीं कोई ये नहीं कहा गया कि आप आतंकवाद की तरफ जाइए। अभी रिजवान साहब ने एक बात कही, रिजवान साहब ने एक बात कही, सुनिए रिजवान साहब ने एक बात कही, अतीक साहब जवाब नहीं दे पाए, अतीक साहब जवाब नहीं दे पाए, सुनिए सर, अमेरिका से खतरा नहीं है इस्लाम को, इस्लाम को अमेरिका से खतरा नहीं है, इस्लाम को खतरा क्रिश्चियन और यहूदियत से है, और क्रिश्चियन और यहूदी अरब में 1632 से पहले से मौजूद थे। इस बात दुनिया परेशान हो गई है 9/11 से, दुनिया परेशान हो गई है 9/11 से, और बार बार इस्लाम के नाम पर ये आतंक फैलाने वालों से, लेकिन आप कहेंगे कि ये इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है, आप सीधा ये कह देंगे कि इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है, क्यों जोड़ना जरूरी है? मानिए तभी कटेगी जड़, तभी कटेगी सर। लेकिन तारिक फतेह साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वो सवाल ये है कि उज़्बेकिस्तान का आतंकी ग्रुप हिजबुल तहरीर जो है वो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है, उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर लंदन में है, आखिर ये दोहरा रवैया क्यों है सर? हिजबुल तहरीर आप जानते हैं यूरोप के कई देशों में उसे मान्यता मिली हुई है, वहाँ भी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, और आईसिस का सिविलियन वर्जन उसे कहा जाता है, ये दोहरा रवैया क्यों, क्या है इसके पीछे? देखिए एक तो वेस्ट की कमजोरी है और ये बिल्ट इन सिस्टम होता है डेमोक्रेसी में कि एक पार्टी रिस्पेक्ट करती है एक किस्म के लॉज को, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स क्या होगा, दूसरी पार्टी कहती है कि अगर हमने वाजिबुल कत्ल तारिक फतेह को कर दिया तो हम सुपारी निकाल देंगे उसकी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ऑस्ट्रेलिया में है आपके हिजबुल तहरीर वाले, लंदन में है, जॉर्डन में है, इजिप्ट में है, लेकिन ये अरब मूवमेंट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसलमान जुड़े हुए हैं। सोचने की बात यह है कि ये सारी बदतमीजियां हमारे ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से क्यों नहीं हुए? आप कभी तो ईरानी जिहाद मिल जाएगी, आपने सुना कि टर्किश ने उठा के किसी में बम मार दिया हो या कोई इंडोनेशियन हो, ये तमाम आजादी बीमारियां वहीं से, जहां से तालिबान निकले, जहां से अलकायदा निकला, ये बिन लादेन क्यों गया पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये अभी जो दो, ये आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या गलती है हमारे हिंदुस्तान का यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मौलवियों की लीडरशिप में कि सच बोलना ही समझा जाता है। देखिए जो एग्जाम्पल हमने दिया कि आपने बर्बरी हमेशा की है, चार में से तीन का कल किया, हजरत अली का नमाज पढ़ते हुए मार दिया,
इतनी हिम्मत हम दिखा नहीं पाते हैं। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर पात्रा आप उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? तारिक फतेह मैं आती हूँ आपके पास। देखिए मैं आपको, मैं तारिक फतेह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो उन्होंने बंद कमरे वाली बात कही है, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि चंद महीनों पहले, लगभग 2 महीने पहले कश्मीर में एक हुर्रियत की डायरी पकड़ी गई थी जिसको कहा जाता है डायरी ऑफ डिसरप्शन, कि कब कब स्ट्राइक होना है। उसमें एक पन्ने में केवल और केवल यही बताया गया था कि किस प्रकार से मस्जिद में ऐलान किया जाएगा कि आज़ादी करानी है, उसके बाद फ्राइडे के नमाज के बाद मस्जिद के बाहर से ही हंगामा शुरू होगा, आईएस के झंडे मस्जिद में से ही लेके बाहर चलना होगा। तो ये बड़ा चिंता का विषय है अगर वहाबिज्म इस कदर कश्मीर में आज पैर पसार चुका है कि मस्जिद के अंदर से इस प्रकार की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जो मुल्ले यहाँ बैठे हुए हैं, जो मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं, उनको चिंता करनी चाहिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अरे आपके बीच में बोल रहा था, क्या बोलिए कि आपके यहाँ अभी अभी डिबेट में शाब्दिक आतंकवाद नहीं होना चाहिए, डिबेट में शाब्दिक आतंकवाद नहीं होना चाहिए, सुन लीजिए। आपके यहाँ राम, तो आशाराम बापू ये राम रहीम आतंकवादी है? एक सेकंड सुनिए, ये आप उसको ओसामा बिन लादेन से कंपैरिजन कर रहे हैं, बगदादी से कंपैरिजन कर रहे हैं? थोड़ा सा बुद्धि दिखाइए ना, बुद्धि कहाँ छोड़ के आते हैं आप लोग? ये राम रहीम और ये राम रहीम को आप ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर रहे हैं? वो क्या थे? डेरा सच्चा सौदा। एक सेकंड, आप डीरेल, तो ये डेरा सच्चा सौदा क्या आतंकवादी हमला कर रहा है? डीरेल मत कीजिए मौलाना साहब, वापस वही बात है। अरे सर हिम्मत दिखाइए ना, ये कोई आपके खिलाफ साजिश नहीं है, ये किसी के खिलाफ साजिश नहीं है, जो सच्चाई है उस पर डिबेट हो रहा है, ये सच्चाई है। राम रहीम आतंकवादी नहीं है, आप उसे आतंकवाद की परिभाषा मत दीजिए। अरे सर क्या कर रहे हैं आप, ये वाकई गलत है, आप समझिए। पूरी दुनिया में इस आतंकवाद ने लोगों को परेशान किया हुआ है। यू नीड टू फेस दैट चैलेंज, आप आंखें बंद मत कीजिए। अरे आप मान रहे हैं, आप तो मुझे भी मुसलमान नहीं मानते हैं, आप तो तारिक फतेह को भी मुसलमान नहीं मानते हैं, आप तो डॉक्टर रिजवान अहमद को भी मुसलमान नहीं मानते हैं। आपके सर्टिफिकेट बांटने से सर कुछ नहीं हो सकता है ना मौलाना साहब? आप क्यों कहती हैं रिजवान अहमद को मुसलमान? अरे सर मैं नहीं मानती हूँ बगदादी को मुसलमान, लेकिन वो वहाबिज्म के तौर पर सारे मुसलमानों को क्यों अट्रैक्ट करता है? मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए ना, शांत रहिए, दूसरी तरह से जवाब दीजिए। आप तो एजेंडे पे खड़े उतर रहे हैं इनके। इलियाड शमून उसका नाम है, बगदादी एक यहूदी है, इलियाड शमून उसका नाम है। एजेंडा नहीं है, आप यही प्रॉब्लम है आपके साथ, आपको हर चीज एक एजेंडा दिखने लगती है, आपको हर चीज एक एजेंडा दिखने लगती है। तस्लीम कर चुके प्रोफेसर सिन्हा, नहीं ये ओनियर मान चुके कादियानी, बस इसमें आ जाइए आप, वहाबिज्म नहीं देखेंगे कादियानी, आपको फौरन दिख जाएगा, वहाबिज्म को गले लगा के रखेंगे, वहाबिज्म को गले लगा के रखेंगे, उसकी वकालत करेंगे। कितने लोग आईएसआई पकड़े गए हैं, कितने लोग एसआईएस से जुड़े हुए हिंदू पकड़े गए हैं? बगदादी मुसलमान नहीं है, लेकिन 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 बगदादी मुसलमान नहीं है, लेकिन बजरंगी दल का हिंदू आपको याद रहेगा। दाग नहीं देखते, लाखों लाखों की तादाद में मार देने वाला मुसलमान नहीं है, लेकिन यहाँ पर छुटपुट केसेस को अंजाम देने वाला आपको हिंदू नजर आ जाएगा। नफरत, अरे अगर ये हिंदू है तो उस मुसलमान को पहचानिए ना, क्यों नहीं पहचाने आ रहा? आतंकवाद कल को आप कहेंगे ओसामा बिन लादेन मुसलमान नहीं है। से भी ज्यादा खिलाफ आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा है नफरत फैलाना, आतंकवाद से भी बड़ा है नफरत का फैलाना, ये नफरत फैला रहे हैं लोग। क्यों डिफेंड करते हैं मौलाना रशीद, छोटा करके बोल रहे हैं, क्यों डिफेंड करते हैं? इतने बढ़िया बढ़िया कुरान के वर्सेस आप बताते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कुरान की आयतें आप बताते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत आप में नहीं है कि खड़े होकर कह सके कि हाँ ये सारे के सारे आतंकवादी सच में मुसलमान है, ये झूठे मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये इस्लाम के नाम पर ही आतंकवाद फैला रहे हैं। डिफेंड करेंगे, मानिए इस बात को, आप कह रहे हैं कि आतंकवाद छोटी चीज है। रहमान ये चीज वाजे कर दी, संबित पात्र पाकिस्तान घर बना हुआ है आतंकवाद का, उनको पूरी तरह से कंडेम किया गया। एक सेकंड सुन लीजिए, मुझे एक एक और लीडर बता दीजिए जो दूसरी तरफ से ये कहता है मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बता दीजिए जो अपने ही धर्म के लोगों को उन्होंने कंडेम किया हो उनकी कोई भी हरकत के ऊपर, 1000 उलमाओं ने कंडेम किया या ना किया? पाकिस्तान को पूरी तरह से आतंकवाद इस डिबेट का नाम है, आप क्या जो कहते हैं ताल ठोक के कहिए, आप नाम लीजिए, कंडेम भी नहीं करेंगे आप सोच रहे थे? मैं फॉरेन काउंटर
करूंगी, आप नाम लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में जो पनपता है उसका नाम लिया, जैसे लोगों 1000 उल्माओं ने अपने प्लेटफॉर्म से डिक्लेयर किया, लोगों को जो नफरत की फैक्ट्री के ऊपर इसको उठा रही है बिना वजह। आतंकवाद की छाया है, ओसामा बिन लादेन तो भगवान है, हम ही आतंकवादी है भैया। तारिक फतेह ने बहुत अच्छी बात कही, आतंकवाद यही से मौलाना के लिए नफरत। मैं राकेश सिंह, तारिक फतेह आतंकवादी है और ओसामा बिन लादेन सही है, फैक्ट्री है आतंकवाद की। आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बात सुनिए आप। आप सर्टिफिकेट दे देते हैं जो आपके हिसाब से नहीं चलता, मुसलमान नहीं होता। आप ये कह रहे हैं बगदादी मुसलमान नहीं है, मस्जिद में खड़े होकर ला शरीका लहू सारे मुजाहिदीन खड़े हो जाए तो अरबी में बोलता रहता है, और आप ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है। ये जो उदाहरण दे रही है ये पाकिस्तान में होता होगा, ये इराक में होता होगा, अफगानिस्तान में होता होगा। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर संबित पात्रा जी इस चीज के ऊपर एग्री करना चाहिए। सर कश्मीर के अलावा आप बताइए कौन बात कर रहा है, कौन आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इसका जवाब देता हूँ, आप इसे मानिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम मत करिए। अगर यहाँ मोहब्बत कायम रखनी है तो मानिए, मैं जवाब देना चाहूँगा। एक अरे हम क्यों एक सेकंड में रिजवान अहमद के पास आना चाहती हूँ। रिजवान अहमद भाई, डॉक्टर रिजवान अहमद, रूबिका जी सबने मुझसे सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए। एक सेकंड डॉक्टर अहमद, हाँ डॉक्टर अहमद मैं आती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा डॉक्टर पात्रा। रूबिका, जो टेररिज्म की जो यूनिवर्सिटी है वो वहाबिज्म आइडियोलॉजी प्लस पेट्रो डॉलर, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं पूरी दुनिया में, ज़कात के नाम पर ये कहा गया तुम्हें मस्जिद और मदरसों के लिए तभी ज़कात मिलेगी जब तुम वहाबिज्म अडॉप्ट करोगे। वहाबिज्म जब पेट्रो डॉलर से मिला तब आतंकवाद बना। आतंकवाद का इलाज सिर्फ दो लोगों के पास था, दोनों आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल थे लेकिन हिंदुस्तान से झूठ फैलाना चाहते हो आप। आतंकवाद का इलाज हो, इस्लाम से नफरत करके हो, वहाबिज्म के खिलाफ बोल रहे हो, वहाबिज्म को लेकर तो आपने भी कई मर्तबा डिबेट की है, कई मर्तबा चीजें आपने सामने रखी है। डिबेट के शुरू में आपने कह दिया था प्रोफेसर सिन्हा कि इस्लाम से कौन कोई शिकायत कर रहा है, इस्लाम से कौन कोई नफरत कर रहा है, लेकिन जो बदलाव है वो बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कैसे देखते हैं वहाबिज्म को, आपको आरएसएस को, क्या वाकई, क्योंकि आप तो विचारक है, क्या वाकई इस्लाम से नफरत है? देखिए वास्तव में क्या है कि इस्लाम की बुनियाद में कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों के कारण सिर्फ गैर इस्लामिक मुल्क नहीं, गैर इस्लामिक लोग ही नहीं, इस्लाम के भीतर ही संघर्ष चल रहा है। इस्लाम का पूरा इतिहास देख लीजिए, उस इतिहास में जब भी सक्सेशन की बात आई रिलीजियस डॉक्ट्रिन को कोट करके प्रॉफेट मोहम्मद के वंशजों को देख लीजिए, किस प्रकार से रिलीजियस डॉक्ट्रिन को कोट करके एक दूसरे की हत्या कर दी गई, लगातार खलीफाओं की हत्या होती रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में बुनियादी सुधार की ज़रूरत है, उस बुनियादी सुधार में टेस्ट को सुधारिए। दो बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इस्लाम में ज्ञान का मतलब क्या होता है? अगर यदि इस्लाम का ज्ञान है तो आप ज्ञानी हैं। इस्लाम एक घेटो तैयार करता है, वह ज्ञान का घेटो तैयार करता है, कानून का घेटो तैयार करता है, सामाजिक व्यवहार का घेटो तैयार करता है। इसीलिए अमेरिका में जो प्यू का सर्वे हुआ है 2017 में, उसे 64% अमेरिकन मानते हैं कि मुसलमान मेन स्ट्रीम के हिस्से नहीं है। अमेरिका में 8% मुसलमान ये मानते हैं कि जो सुसाइड बम जस्टिफाइड है, 7% मुसलमान कहते हैं कि इसका समटाइम्स इट इज जस्टिफाइड। जिस देश डॉक्ट्रिन से वायलेंस पैदा होता है डॉक्ट्रिन का सुधार चाहिए। भारत के मुसलमान बहुत सारे हिस्टोरिक मिस्टेक कर रहे हैं, ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं, इसे मुखर कर और उनका बस चलेगा तो कह देंगे, इनका बस चलेगा कहेंगे आईएसआईएस को भी आरएसएस चला रहा है, अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, हरों को भी आरएसएस चला रहा है, जैसे राम सेना आरएसएस चला रही है।
एक एक करके आपकी आवाज इनका बस चलेगा तो है अमेरिका में जो हमला हुआ आरएसएस के लोग ही मुसलमान पर हमला कर दिए। क्या बात कर रहे हैं विक्रम रमन साहब, अरे बुद्धि का उपयोग कीजिए, इस्लाम में सुधार की बात कीजिए और भारतीय मुसलमानों को पहल लेनी चाहिए। अरे तो सुधार की बात अपने अंदर भी कीजिए ना। राकेश भाई एक बात बता दीजिए, राकेश सिन्हा जी कभी भी इनकार नहीं किया। राकेश सिन्हा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आतंकवाद के एक बात पर जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप काबिला में पाल रहे हैं और सुधार के लिए दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। हिंसा कहाँ पल रही है, आतंकवाद कहाँ पल रहा है, पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त हो रही है। इस्लाम को सुधार के दौर से गुजरना पड़ेगा, अन्यथा बात तो सुन लीजिए सरकार की नौबत है। बात तो सुन लीजिए आप, कहीं भी मुझे सारा बात नहीं सुन रहे सर, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। हमें निंदा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें प्रस्ताव नहीं चाहिए, हमें मुद्दा नहीं चाहिए, हमें बुनियादी सुधार चाहिए। ट्रेनिंग कैंप्स नहीं चलाते क्या आप? चल कर चुके बहस आप लोग। सर एक रहमान साहब बहुत शांत रहिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपस में, ऐसे भिड़िए मत, आपस में ऐसे लड़िए मत, थोड़ा शांत रहिए। तो मैं राकेश जी से कुछ कहना चाहता हूँ। सर सुनिए, राकेश साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे बहुत लोगों ने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देना है। एक सेकंड, क्या मुझे मौका देंगे बोलने का? मेरा सवाल मुझे बोलने का मौका देंगे सर? मेरा सवाल, आतंकवादी घटनाएं पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। अरे बोको हरम से लेकर आईएस से लेकर अल बगदादी से लेकर जैश लश्कर से लेकर तालिबान से लेकर ये सब के सब वहाबी है। 80 के दशक में शुरुआत हुई पाकिस्तान में, देखिए क्या हालत है आज की तारीख में। और आप ये कहते हैं कि दूसरे संगठनों को जरा देख लीजिए, अरे पहले यहाँ तो देख लीजिए, यहाँ जो संगठन, अरे मुझे आप बात यहाँ जो संगठन सक्रिय है और गड़बड़िया कर रहे हैं उसे देखिए ना। नफरत से ही आतंकवाद जन्म लेता है भाई। आप लोग को एजेंडा लेके बैठते हैं, आप डिबेट सुनना चाहते हैं, आप तो एजेंडा लेके बैठते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दोनों से, रूबिका लियाकत जी से और राकेश सिन्हा से पूछ रहा हूँ, मैं राकेश सिन्हा और रूबिका लियाकत दोनों से पूछ रहा हूँ कि बब्बर खालसा कौन सा इस्लाम से प्रेरित है, उल्फा कौन सा इस्लाम से प्रेरित है, भावेश पटेल कौन सा इस्लाम से प्रेरित है, नाथुराम गोडसे कौन सा इस्लाम से प्रेरित था, बाबू बजरंगी कौन सा इस्लाम से प्रेरित है, मित्तल कौन सा इस्लाम से प्रेरित है, आपको बाकी सब में आतंकवादी नजर आते हैं, आपको बाकी सब में आतंकवादी नजर आते हैं, लेकिन आतंकवादी आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवादी का कोई घर नहीं है। बड़ा हिपोक्रेसी, इट्स अ रियल हिपोक्रेसी। देखिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बोलना ही पड़ेगा, विषय है जो बंद करके बैठे हैं हम यहाँ पर। देखिए हम जो लोग आंख बंद करके सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं, जबरदस्ती उनका आंख खोलने से वो देख नहीं लेंगे। इसलिए एक बात मैं यहाँ बताऊं, जब याकूब मेमन को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तो इन्हीं में से कई लोगों ने कहा था कि याकूब मेमन वॉज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। और मुझे चिंता तब हुई जब याकूब मेमन के जनाजे में 15,000 लोगों ने शिरकत की। यह चिंता का विषय है, आप आतंकवाद में धर्म देखिए या नहीं देखिए, मगर जो हकीकत है, अगर राष्ट्र उस हकीकत को नहीं देखेगा तो रूबिका जी वह दिन दूर नहीं जब हमारे दरवाजे पे आईएस खड़ा हो जाएगा और उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम डिबेट में हकीकत देखने से इनकार कर रहे हैं। मौलाना रश्दी आखिरी 20 सेकंड। मैं पात्रा जी पूछ रहा हूं कि आंखें सिर्फ हम क्यों बंद करें? नहीं, आप हमारी आंखें बंद हैं, आपकी आंखें खुली हैं। हिंदुस्तान की 36 में से अगर कश्मीर स्टेट को निकाल दीजिए तो 35 स्टेट में जो आतंकवाद है वो मुसलमानों का नहीं है, उसमें मुसलमान शामिल नहीं है। इनके बारे में क्या कहेंगे? क्यों निकाल दें? यही तो आप करने लग जाते हैं ना, यही तो करने लग जाते हैं। कश्मीर निकाल दें, विकास पर बात करें, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम यहाँ कहाँ से आ गया है? आतंकवाद जो बड़ा मुद्दा है उसकी बात कीजिए, वहाँ पर लोगों को पहचानिए, उसके खिलाफ लड़ाई बुलंद कीजिए। इन आतंकवादियों को भी सर्टिफिकेट बांट दीजिए। ना, बहुत शुक्रिया सर, आप सभी आतंकवादियों के खिलाफ है।